मैं आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहता हूँ, देखिए पैसे से हम गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते, पैदा करने के लिए धरती पुत्र बने। पिछले 6.5 सालों में मौजूदा सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी में भारत को तब्दील कर दिया। नोटबंदी से लेकर लड़खड़ाती GST, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, 5 बम ही तो गिराना, आप कुछ 5 बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे। आज मिस नरेंद्र मोदी, मैं प्रमाण करता हूँ 2002 में इसलिए अनगिनत बेगुनाह लोगों को गुजरात में मौत की न्यूज। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हमारे इस किसान आंदोलन के वीडियो के स्पॉन्सर है इरफान हदीस अंसारी, जो कि चेयरमैन है भिवंडी प्रभाग समिति 4 के। बाबा जी, तो आप यहाँ पे किसानों का समर्थन किस तरह से करने के लिए, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थी ट्रस्ट, 42 साल से बच्चों में बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना। भारत जो है, भारत की आत्मा जो है गांव में रहती है। 6,32,000 गांव है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए 47 से अब तक 73 सालों में प्रकृति ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। मैं आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहता हूँ, देखिए पैसे से हम गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते, पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। ये धरती पुत्र की आवाज़ स्वयं प्रकृति आगे संचालित कर रही। ओके, कृषि मंत्री नरेंद्र कहता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कि ये जो है ये 1 लाख लोगों का मूवमेंट है। और अभी जो किसान मोर्चा का वो यूट्यूब लॉन्च हुआ है उसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स आए हैं। देखिए, ये डिजिटल युग है, ये कितना भी झूठ बोले सारा झूठ ये सर्च इंजन पकड़ेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ये कहना है, इस आंदोलन को अदृश्य शक्ति संचालित कर रही है और ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, भारत के जन जन का आंदोलन है। पिछले 6.5 सालों में मौजूदा सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी में भारत को तब्दील कर दिया। नोटबंदी से लेकर लड़खड़ाती GST, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, फिर 370, फिर ये किसानों का अमेंडमेंट। कोविड के दौर में एक तरफ हमारे जो मजदूर थे सड़कों पे मर रहे थे, हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन में वहाँ पे बेचारे जंतर मंतर 4 साल बैठे रहे, कुछ नहीं सुना। तो ये जो है, इस नरेंद्र बाबू ने इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया है, तो उसको मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है, कब, जब हम भारतीय संविधान को पढ़ें। भारतीय संविधान के 3 पिलर है, माफ करिएगा, आप कोई पिलर, आप कोई पिलर नहीं है, आप तो आप मिरर हैं, जो सिर्फ धुंधटा के समाज को दिखाते हैं कि भारत कैसा लग रहा है, इतनी ड्यूटी आपकी। लेकिन मूल जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, वो कार्यपालिका है। फिर उसको एग्जीक्यूशन का काम ये IAS IPS करते हैं, हर जिले पे बैठते हैं। अगर ये दोनों ही मिलकर गलती करते हैं तब न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ही केंद्रों पर इस समय इस नर पिशाच ने कब्जा कर लिया। नर पिशाच मीन्स नरेंद्र मोदी, मैं प्रमाण करता हूँ 2002 में इसने अनगिनत बेगुनाह लोगों को गुजरात में मौत की नींद सुनाया। दिल्ली में भी इसने यही किया और अमूल्य पटनायक CP ऐसे हाथ बांध के खड़ा था, उनके सामने वो कह रहे थे गोली मारो गद्दारों को। अब गद्दार कौन है जब आपके पास सारी एजेंसियाँ हैं, सारे सोर्स आपके पास हैं। हम अगर पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, तो तुम्हारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? और तुम्हें हम किसान नहीं लगते, हम अगर देशद्रोही लगते हैं तो तुम्हारे पास तो सर्जिकल स्ट्राइक का अनुभव है, 5 बम गिराना है आपने तो सारा खेल खत्म, फिर नाचो कूदो, कौन रोक रहा है आपको? 5 बम ही तो गिराना, आप कुछ 5 बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हैं। अगर किसान के प्रति आपकी करुणा नहीं है, वो सड़कों पे मर रहे हैं खुले आकाश के नीचे, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमारे मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं, फिर भी तुम संवेदनाहीन हो, तो मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद बाबू, मैं राष्ट्रपति को बाबू कह रहा हूँ, हाँ, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े को बेवड़े कह रहा हूँ कि शराब पी के मत बैठो, तुम जागो, नोटिस करो, नरेंद्र को आरोपी बनाओ, 302 का बुलाओ, तलब करो कि देश ऐसे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान क्या कहता है? संविधान की एक पुस्तक मैं बोबड़े को कहता हूँ कि पढ़ो, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब धज्जियाँ उड़ा रहे हो कानून की, क्या अधिकार है आपको पदों पे बैठने का? नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे के जाओ घर। शर्म आती है मुझे, तुम एक जिम्मेदारी के पद पे बैठकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ये पलायन डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। हम डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, मैं साधु हूँ,
साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। जैसे नमक खारा है, शकर मीठी है, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी, उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। तो हम अपने धर्म का निर्वाह करने आए। जब ये सनातन संस्कृति खतरे में थी तो पंच प्यारों के बलिदान पर यह सिख पंथ खड़ा किया गया था। आज उस सिखों ने मोर्चा खोला भारत माता का। तो सिख का मतलब होता है सीखने वाला, प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है। वंचक, आप देख रहे दृश्य, सबके साथ मिलजुल के बैठते हैं, कोई जाति भेद नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। आओ सब बैठो, लंगर चखो, दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। यह है सीखने वाला, ये शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा का भाव अगर जन जन में होगा, हर बच्चा सुंदर पिचाई बनेगा, बिल गेट्स बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। इसके लिए जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। जो स्वामी जी कह रहे थे, एक नहीं, 100 नहीं 200 नहीं, ये 100% ठीक है। सृष्टि की अटल सच्चाई है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा, खालसा मीन्स प्योर प्योर, वो साजिया सीगा जो ये फिर रहे ने, सब खालस ने, सिर्फ और सिर्फ पंजाब नहीं, सारे देश दे किसान ने, वो किसान ने जेडे अन्नदाता नहीं, अन्न नू पैदा करते ने, दाता होंदा सिर्फ दात देने वाला, ये पैदा भी करते ने, उन्हें वंडते भी ने और लुटींदे भी ने। जेडी अज की सरकार है, जो अज का जिहड़ा मीडिया ते सरकार ते न्यायपालिका, जिवें स्वामी जी कह गए, ये सारे मिलके जिहड़ा साडा राष्ट्र आ, साडा देश, जिन्हों साडे सूरवीर योधिया ने, साडे भैणां भरावां ने, साडे जिहड़े बजुर्ग या साडे जिहड़े पूर्वज ने, जिन्हां ने आधा सीस दे के, खून दे के, शहीद भगत सिंह वर्गे, शहीद ऊधम सिंह वर्गे, जिन्हां ने कत्ती साल बाद जाके इस देश को आजाद कराने वास्ते जाके बदला लिया, और शहीद भगत सिंह वर्गे, करतार सिंह सराभे वर्गे, 17-17 साल की उम्र जिहड़े बंदे इस देश को आजाद, देश को बनाने वास्ते, देश कित्थे सी पहला, वंडिया खित्तियां सी, देश को देश बनाया किन्ने, वो पंजाबी सन, वो पंजाब अज का पुराना माँ पंजाब सी, जिन्हें देश को एक संस्कृति दे विच एक जगह खड़ा किया, और उस देश को अज ये नरेंद्र मोदी जिहड़ा आदे आप नू देश भगत कहता, मैं कदे वो भरावा पाउन नाल मैं तुहानू कहना चाहना, कदे भी कोई आदमी जिहड़ा है वो वड्डा नहीं बणदा। वो अज की उन्हें पेश बनाया आदे आप नू रविंद्रनाथ टैगोर की जिहड़ी वेशभूषा च पैदा कर, जिहड़ा लोकां च शोक कर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर वर्गी दाढ़ी रख के, वाल वधा के, या उही चाल करके, बॉडी लैंग्वेज नाल रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनाया जाता। रविंद्रनाथ टैगोर बनने वास्ते कर्म करने पैंदे ने, कर्म करने वास्ते अंदर साफ करना पैंदा, अंदर साफ है। इस गुरु गोबिंद सिंह दे जिहड़े जे उहदे बच्चे ने, जिहड़ा गुरु नानक दे नाम लेवा लोक ने, उन्हां दा अंदर साफ है। उहदे विचों कोई ना कोई मर्द सूरबाद दा गंबड़ा उगरेगा जिहड़ा इहनूं सबक सिखावेगा, और सबक उह नहीं होवेगा वी असीं कोई खून खराबा करन वाले हां, असीं शिक्षा देण वाले बंदे हां, ना असीं कदे जुल्म सहिंदे हां ते ना ही जुल्म करदे हां। सानूं इह साडे जिहड़े गुरुआं पीरां महाराज जिहड़े साडे बली पैगंबर सन, जिहनूं अकाल पुरख नहीं, अकाल पुरख दा रूप भी नहीं, खुद अकाल पुरख सी गुरु गोबिंद सिंह जां बाबा नानक होरी, उह सानूं इह शिक्षा दे के गए ने, असीं उहनां दी शिक्षा चलदे हां, और असीं इक परमात्मा अगे दुआ करदे हां। ਐਡਾ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਛਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਅੱਜ ਥੂ ਥੂ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟੂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਿੱਟੂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੰਜੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।